करते हो कि नहीं? सो व्हाट इज वेदर? वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. और इस वेदर में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं? इट इज विद रिस्पेक्ट टू, क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं हम? टेम्परेचर, कि किसी जगह का कितना टेम्परेचर है. अगर आप किसी हिल स्टेशन को प्लान करते हो, सबसे पहले टेम्परेचर नोट करते हो कि वहां पे ठंड है तो हम वुलन क्लोथ्स उठाएं, नॉर्मल टेम्परेचर है तो नहीं उठाएं, करते हो कि नहीं? ठीक है, देन यू विल चेक फॉर रेनफॉल, देन ह्यूमिडिटी, रेनफॉल अलग फैक्टर है, ह्यूमिडिटी अलग फैक्टर है. ह्यूमिडिटी होता है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कॉन्टेंट. ठीक है, जरूरी नहीं है रेनफॉल के कारण ही आपका मॉइस्चर कॉन्टेंट इंक्रीज करे. ठीक है, और साथ ही साथ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड. सो दैट इज अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ वेदर. प्लीज डेफिनेशंस नोट डाउन कर लीजिए, डिफरेंस में मैं दोबारा नहीं लिखूंगी. ठीक है, सो व्हाट इज वेदर? वेदर इज द एक्चुअली एटमॉस्फेरिक कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, ये थोड़े टाइम के लिए होती है, इट चेंजेस आर टू आर, इट चेंजेस डे टू डे. ठीक है, कुछ घंटों में चेंज हो सकती है, एक दो दिन में चेंज हो सकती है, सो दैट इज वेदर, राइट? और ये जो सारे फैक्टर्स हैं जो वेदर को डिसाइड करते हैं, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर. दीज आर टू बी कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ वेदर. और वेदर आप कहां से चेक करते हो? वेदर फोरकास्ट से. ठीक है, और ये वेदर फोरकास्ट जो है वो गेस कौन करता है? हु विल चेक? यस, इट इज चेक्ड बाय द, इट इज मेजर्ड बाय द, इट इज अज्यूम्ड बाय द मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने स्पेशली एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जो आपके वेदर फोरकास्ट की डे टू डे रिपोर्ट आपको देती है. आपके बुक में दिया हुआ है ब्लू बॉक्स में. ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार वन वर्ड में आता है. इज इट क्लियर? इट इज टू बी चेक्ड बाय द मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? नाउ लेट्स स्टडी ईच फैक्टर वन बाय वन. सबसे पहले टेम्परेचर. व्हाट इज टेम्परेचर? Yes, temperature is simply degree of hotness or coldness. कोई चीज कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, that is to be called as temperature. And which is a device which is used to measure temperature? Thermometer. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है. यहाँ पे temperature आपकी body का नहीं measure करना, यहाँ पे टेम्परेचर मेजर करना है एटमॉस्फेयर का, आपके सराउंडिंग्स का. और मेरे ख्याल से हीट वाले चैप्टर में हमने किया हुआ है. कौन सा थर्मामीटर इसके लिए यूज करते हैं? मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इज यूज, सॉरी, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर दिस टेम्परेचर. इस थर्मामीटर का नाम ही मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर है. ये ऑलमोस्ट यू शेप्ड थर्मामीटर होता है. नहीं, ये ऑलमोस्ट यू शेप का थर्मामीटर होता है. हमारी बुक में नहीं है. एक तरफ रीडिंग मिनिमम में आती है, एक तरफ मैक्सिमम में आती है. ठीक है, इसके डिटेल्स हमारी बुक में नहीं है. यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें कई बार पेपर में आता है, मैं ज्यादा नीचे नहीं लिखूंगी बेटा इसके बाद. ठीक है, इसके यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन आता है बेटे? Why we feel somewhat pleasant or comfortable during the morning rather than the afternoon? Afternoon में हम बहुत uncomfortable feel करते हैं. जैसे अभी जो मौसम है,
ठीक है, अभी जो टाइमिंग्स है आपके 12, 1, 2 बजे, आपको ऐसे नहीं लगता काफी गर्मी हो रही है, काफी हॉट हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील करते हो, है ना? लेकिन जब सुबह सुबह उठते हो तब तो कितना फ्रेश फील करते हो। अगर आप टायर्ड भी हो तो आपको मौसम की इतनी गर्मी फील नहीं होती, क्यों? इसका एक यस, बिकॉज द टेम्परेचर इज मैक्सिमम इन द आफ्टरनून एंड मिनिमम ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग। मैंने ये तो पूछा ही नहीं, मैंने कहा आपको अनकंफर्टेबल क्यों फील होता है। चलो वो भी बता देती हूँ, ठीक है? टेम्परेचर ये आपको आपके बुक में बच्चे क्लियरली मेंशन है, ये सारे पॉइंट्स कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज मैक्सिमम, टेम्परेचर बेटा एक दो चॉक्स देना बड़े वाले, इस चॉक देना, मैक्सिमम ड्यूरिंग आफ्टरनून, आफ्टरनून टाइम पे, बस दो के देते, उससे लिखा नहीं जा रहा, थैंक यू बेटा, ड्यूरिंग आफ्टरनून, राइट? आफ्टरनून में आपका टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है, एंड मिनिमम ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में मिनिमम होता है। और ये क्यों होता है, ये आप छोटी क्लासेस में करके आए। हाँ जी, नहीं, नाइट्स में कूलिंग स्टार्ट होती है और जब तक सन दोबारा हीट नहीं करना शुरू करता तब तक टेम्परेचर कम होता जाता है। टेम्परेचर तभी राइज करेगा ना जब सन उसको हीट करेगा। नाइट में तो जितना हीट किया उसने कूल होना शुरू कर देना है, जैसे जैसे मॉर्निंग बढ़ेगी टेम्परेचर फिर राइज होना शुरू हो जाएगा। अभी ये क्यों होता है, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो। सन, हाँ, रेज ऑफ दी सन फॉल डायरेक्टली, ठीक है, रेज ऑफ दी सन फॉल डायरेक्टली एंड हीट द अर्थ। सन की रेज डायरेक्टली फॉल करती हैं एंड हीट दी अर्थ, और हमारी अर्थ को अच्छे से हीट करती हैं, ठीक है? मिनिमम क्यों है, मिनिमम इसलिए है क्योंकि ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग, ड्यूरिंग द इवनिंग सन रेज आर स्लांटिंग, ठीक है? सन रेज उस टाइम पे स्लांटिंग होती हैं एंड दे विल नॉट हीट द अर्थ मच, वो अर्थ को बहुत ज्यादा हीट नहीं कर पाते। इज दैट क्लियर? अर्पिता, मैम कैन यू प्लीज टाइप अर्पिता, आप बच्चे आपकी आवाज ना बिल्कुल क्लियर नहीं थी, कैन यू प्लीज टाइप। मैम जो नीचे वाली डेफिनेशन है टेम्परेचर की, डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस मैक्सिमम मिनिमम, मैम वो प्रॉपर डेफिनेशन है वेदर की, टेम्परेचर टेम्परेचर की, हाँ, टेम्परेचर की डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस है बस, ठीक है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑफ अ बॉडी, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम किसी बॉडी का नहीं मेजर कर रहे, एटमोसफेयर का मेजर कर रहे, ठीक है जी? आपकी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, व्हाई वी फील अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग द आफ्टरनून वाइल प्लेजेंट ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग, ठीक है? और उसमें आपको ये दोनों पॉइंट्स लिखने हैं, फर्स्ट टेम्परेचर इज मैक्सिमम ड्यूरिंग द आफ्टरनून एंड मिनिमम ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग, वाई वो आपको मैंने बता दिया, आए या ना आए पेपर, ठीक है? मैक्सिमम या मिनिमम टेम्परेचर क्यों होता है वो बुक में रिपीट नहीं किया हुआ, पर आप सबको रीजन पता है, ठीक है जी? इज इट क्लियर? सो वी हैव डन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रेनफॉल क्या बच्चे?
Yes, rainfall or rain or snow is a form of precipitation. Actually, होता क्या है? What happens? We all नहीं मेयर मैंड नहीं आएगा बेटे. It is a form of precipitation. Precipitation क्या होता है? हाँ बोल लो बच्चे. बिल्कुल ठीक है बेटे. वी ऑल हैव स्टडीड वाटर साइकिल. वाटर साइकिल हम सबने पढ़ा हुआ. उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वाटर फ्रॉम द लेक्स, फ्रॉम द पॉन्ड्स, रिवर्स, सी, ओशन, इट गेट्स इवेपोरेटेड. वाटर इवेपोरेट होके ऊपर जाता है, ठीक है. एंड द वाटर दैट गेट्स इवेपोरेटेड, इट फॉर्म्स वाटर वेपर. वाटर वेपर बन गए. दीज वाटर वेपर्स ऑन रीचिंग द हाइट दे गेट कूल्ड डाउन टू फॉर्म स्मॉल वॉटर ड्रॉप्स. पड़े हुए ऑन रीचिंग द हाइट, जैसे ये ऊपर जाते हैं ये क्या बना देते हैं? वॉटर ड्रॉप्स, छोटे छोटे वॉटर ड्रॉप्स बन जाते हैं. एंड वेन दीज वॉटर ड्रॉप्स कंबाइन विद ईच अदर इट इज कॉल्ड एज क्लाउड, ठीक है. These water vapors come down to the earth in the form of precipitation. Normally, जो precipitation है, it is in the form of rain. लेकिन जिन जगह पे temperature बहुत कम होता है, there is very low temperature, वहां पे rain के साथ साथ क्या हो जाती है? Snow. यही होता है ना, जहां पे बहुत ठंड होती है ये water vapors जो है they freeze in the air. ये air में ही freeze हो जाते हैं और स्नो की फॉर्म में नीचे आते हैं. हाँ, उतना टेम्परेचर कम होता जाता है. बिल्कुल ठीक है. बादल आपके जो होते हैं वो काफी हाइट पे होते हैं, ठीक है. लेकिन साथ ही साथ ये चीज मैटर नहीं करती. अगर आप यहां से अपने जलंधर से आप बादलों की हाइट देख रहे हो तो वो आपको ज्यादा ऊंचे लग रहे हैं. अगर आप हिली एरियाज में जाओगे तो वो आपको उतने ऊंचे नहीं लगेंगे. उधर टेम्परेचर लो होगा. हाँ, उधर टेम्परेचर लो होता है और जितना लो टेम्परेचर, इसीलिए तो हिली एरियाज में स्नो होती. स्नो होने का ये वो इसलिए क्योंकि जब यहाँ पे रेन होती है तो रेन का जो वाटर है दैट डोंट गेट फ्रीज. नीचे जैसे ही वो क्लाउड से नीचे उतरता है तो वो फ्रीज होगा कैसे? उस पर तो धूप पड़ रही है, वो तो रादर बॉयल होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना. बट ये है कि क्लाउड्स जो हैं वो सन को टाइमली कवर कर लेते हैं, ठीक है. और वाटर ड्रॉप्स दे फॉल, ठीक है. सो दैट इज रेन और स्नो. रेन इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल. द मेन पॉइंट इन दिस इज हाउ कैन वी मेजर दिस रेन. वी कैन मेजर द रेनफॉल बाय अ डिवाइस विच इज कॉल्ड एज रेन गॉज. Rain gauge is a device that is used to measure the amount of rain, and this rain is usually measured in millimeters. Rain जो है उनको हम millimeters में measure करते हैं, ठीक है. Rainfall is measured in millimeters by a device called as rain gauge. हाँ ठीक है. ये आपके डिवाइस है, ये यूनिट्स है टू मेजर रेन, टू मेजर. अच्छा बेटे, क्लियर. और रेन इटसेल्फ क्या होती है? Form of precipitation. हाँ जी, क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू राइटिंग इट ऑन योर रफ नोटबुक्स? ऑफलाइन वालों की तो मैंने अभी चेक कर लेनी है.
बच्चे इफ यू विल नॉट राइट द वर्क साइड बाय साइड यू विल हैव टू सफर अ प्रॉब्लम. ओके बेटे दैट्स नाइस. नाउ थर्ड फैक्टर जो हमने किया था, थर्ड एलिमेंट जो हमने किया था दैट इज ह्यूमिडिटी. व्हाट इज ह्यूमिडिटी? अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर. तो मैं इस तरफ लिख रही हूँ, नीचे बाकी बच्चों को दिखाई नहीं देता. ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर. देखो बेटा एक सीधी सी बात है, अगर आपको एयर में मॉइस्चर कैलकुलेट करना है ना तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. एयर में कितने ड्रॉप्स ऑफ वाटर है, ठीक है. सपोज मैं एक सिंपल सी बात लेती हूँ, सपोज आई हैव टेकन अ सॉल्टी वाटर, नमक वाला पानी ले लिया. कैन यू टेल मी कि पानी में कितना नमक है? नमक की आपके ग्राम्स मिलीग्राम्स होते हैं तो आप थोड़ा सा गैस कर सकते हो, लेकिन उस पर भी डिपेंड करता है कितने पानी में कितना नमक है. एक गिलास में, एक बाउल में, एक बकेट में, है ना? डिपेंड्स. तो ये जो चीजें है ना जो आपने कैलकुलेट करनी होती हैं, दे आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल. तो इनकी प्रिडिक्शन करने के लिए, स्पेशली ह्यूमिडिटी को गैस करने के लिए, हम ह्यूमिडिटी नहीं चेक करते, रादर एक दूसरी चीज चेक करते हैं, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. रिलेटिव मीन्स कंपेरिजन, मीन्स हम ये देख लेते हैं कि कितनी एयर में मैक्सिमम कितना आपका मॉइस्चर आ सकता है, आपके रूम जितनी एयर में कितना वो मॉइस्चर मैक्सिमम ले सकता है, और उसके बाद चेक कर लेते हैं इतना ले सकता है और इतना है उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं. दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. कैसे करते हैं ये हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चे, इसके फॉर्मूलाज नहीं है, सिर्फ टर्म है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है. सो व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर इज एक्सप्रेस्ड एज, इज एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इट कैन होल्ड. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इट कैन होल्ड, कि कितना वो मैक्सिमम होल्ड कर सकती है. और कितना उसमें है उसकी आपस की परसेंटेज निकाल लो, ठीक है. कितना उसमें प्रेजेंट है और कितना एक्चुअली हो सकता है उसकी परसेंटेज हमने निकाल ली, दैट इज टू बी कॉल्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम पता है, क्या नाम है इस इंस्ट्रूमेंट का? हाइग्रोमीटर. दिस इज द इंस्ट्रूमेंट और अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. नहीं, मैंने लिखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए, बिल्कुल कैपिटल्स में नहीं लिखना. ऊपर लिख दूं? ओके बच्चे, इट इज ऑलरेडी रिटन हियर, मैंने साथ के साथ लिख दिया जिसका छूट भी गया. रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स दैट इज प्रेजेंट इन एयर इज एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज
ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इट कैन होल्ड, कि कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ये होल्ड कर सकते हैं और कितनी उसमें प्रेजेंट है, उन दोनों की परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज की है ना, मैथ्स में परसेंटेज वाला चैप्टर आ गया, थोड़ा बहुत तो किया होगा, फोर्थ फिफ्थ से चलता है, फिफ्थ आई थिंक है आप लोगों को, ठीक है। कितनी मैक्सिमम परसेंटेज है, जैसे आप लोगों की एग्जांपल है कि आपकी क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 51, जितनी हो सकती है और जितनी है। हाँ, जैसे चलो बाकी छोड़ो, रिसेंटली अभी मार्क्स निकले, ठीक है, सपोज किसी बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते थे, 50, आए कितने, 25, इसकी परसेंटेज निकालो कितनी आती है, कट कर ले, 50% आ गई ना, और यही परसेंटेज हमने निकाली है कि जितने मैक्सिमम आ सकते थे और जितनी है। इसी तरह से जितना मॉइस्चर हो सकता था, ठीक है, वो नीचे, और कितना है उसकी परसेंटेज निकाली है, उसको हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है जी। फिलहाल ये कैसे निकालना है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ ये एक वर्ड है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी टर्म आपको समझानी थी, वो मैंने समझा दी, ठीक है। लास्ट फैक्टर जो था विंड स्पीड या विंड डायरेक्शन, वो ज्यादा डिटेल्स में नहीं है हमारी बुक में, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि विंड इज ऑल्सो एन एलिमेंट दैट डिटरमाइंस द वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस। विंड इज अ फैक्टर और अ एलिमेंट दैट डिटरमाइंस द वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस। किसमें देख, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ, क्या लिखा पढ़, हाँ बस वही है, मैंने अकेला विंड लिख दिया। अच्छा चलो, विंड क्या होता है, व्हाट इज विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड, ठीक है, बड़ी कॉमन सी टर्म्स है बेटे, पहले से हम करते आ रहे हैं, मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड, ठीक है। हमारे इंडिया में जो विंड है वो इवन मॉनसून्स भी लेके आती है। फॉर एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा ज्योग्राफी का आपका टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, विंटर्स में नॉर्थ की तरफ से विंड चलती है, पढ़ी हुई है, ड्यूरिंग विंटर्स विंड मूव्स फ्रॉम द नॉर्थ साइड, हिमालयस वो इधर से नॉर्दर्न साइड से आती है, और ड्यूरिंग समर सीजन साउथ वेस्ट विंड्स आती हैं मॉनसून लेके, किसी को नहीं पता, पढ़ा हुआ है पर याद नहीं है। चलो एनी हाउ, साइंस कर रहे हैं, सिर्फ एक रफ आइडिया देती हूँ कि समर्स में नॉर्मली साउथ वेस्ट SW विंड्स लिख दूं, थोड़ा सा आइडिया ले लो, ठीक है। साउथ वेस्ट विंड्स चलती हैं, बे ऑफ बंगाल से क्रॉस करके आती हैं, एंड दे विल ब्रिंग रेन, और विंटर्स में जो है विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन से फ्लो करती है, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट से फ्लो करती है, मूव करती है। बेटे ये वाली जो नॉर्थ वाली विंटर्स रेन्स है ना, वो जो पीछे से आती है, नीचे से नहीं आती, पंजाब में भी आती है, वो आती है पीछे से, जो आपके ऊपर वाले रेंज है, हिली एरियाज में से, हिमालयाज में से। खैर, दैट इज ऑल अबाउट द विंड्स, नहीं आपने करना, ज्योग्राफी छोड़ दो, हमने ज्योग्राफी वैसे भी नहीं आनी, बुक में नहीं है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है। एक चैप्टर है हमारा टोटली साइक्लोन्स वाला, वो तब करेंगे। हाँ, ईस्ट से ऑब्वियसली, इधर वाली साइड पे हुआ ना, ऐसे समझ लो कि जो आपका राजस्थान है, मैप तो सब ड्रॉ करते हो, राजस्थान वाला एरिया आपका वेस्ट है, और इधर एक एरिया है जो ईस्टर्न स्टेट्स ही बोलते हैं इनको,
जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लेते हैं सिस्टर स्टेट्स जिनको बोलते हो, वो ईस्टर्न स्टेट्स होती हैं, और ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे पहली स्टेट जो आती है दैट इज कॉल्ड एज अरुणाचल प्रदेश। क्या इसका मीनिंग नहीं समझाया वो आपको? अरुणाचल प्रदेश का मीनिंग नहीं पता? अरुण का मतलब होता है सूर्य, सन, पर्यायवाची है ये। अरुण मीन्स सन, अरुणाचल मीन्स जहां से अरुण उदय होता है, स्टार्ट होता है। इंडिया में जो आपका सन है इट राइजेस फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। अरुण का मतलब सूर्य का पर्यायवाची है अरुण, वो क्लियर है? ठीक है, आप तो नहीं भूलोगे ईस्ट की साइड है वेस्ट की साइड है, ठीक है? चलो एनी हाउ दैट इज ऑल अबाउट वेदर। वेदर बेटे इतना ही था, इससे ज्यादा डिटेल्स हमारी बुक में नहीं है, फिर भी अगर कोई पॉइंट होगा वी विल डिस्कस। हाँ जी, वेदर तक सबको क्लियर हो गया? व्हाट इज वेदर, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ठीक है? देन हाउ कैन वी मेजर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ठीक है? इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ विंड पेन। विंड को हम विंड पेन की हेल्प से मेजर करते हैं, प्लीज ये नोट कर लेना, इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ विंड पेन, राइट? नेक्स्ट है स्पीड एंड डायरेक्शन इज टू बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ विंड पेन। नाउ नेक्स्ट इज क्लाइमेट, सेकंड टॉपिक हमारा क्लाइमेट का है। क्लाइमेट क्या होता है बेटे? क्लाइमेट होता है एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे टाइम के लिए, यू कैन से इट मे बी 20 to 25 years, ठीक है? मे बी फ्रॉम 20 to 25 years, 20 years या 25 years जो मर्जी लिख लो, शायद बुक में 25 है तो मैं 25 ही लिखती हूँ। कि एक तरह का वेदर जो रहता है किसी जगह पे काफी लंबे समय के लिए, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। जैसे हम राजस्थान के क्लाइमेट की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? इट इज हॉट एंड ड्राई, है ना? एक्सट्रीम तो है लेकिन हॉट एंड ड्राई, एक्सट्रीम मींस दूसरी साइड, ठीक है? हॉट क्या है? टेम्परेचर। ड्राई जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ह्यूमिडिटी, रेनफॉल रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से ह्यूमिडिटी भी क्लियर हो रही है, रेनफॉल भी क्लियर हो रही है, ठीक है जी? और हॉट टेम्परेचर बता रहा है, ठीक है? तो ये वाला जो टेम्परेचर है ये एक या दो दिन की एजम्पशन नहीं होती है, ये वाला जो क्लाइमेट है इट इज टू बी डिसाइडेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इट, बहुत सारे लंबे। पंजाब का क्लाइमेट जो है कोई बता सकता है क्या है? पंजाब का एक्सट्रीम मॉडरेट। बेटे मेरी बात सुनो, एक्सट्रीम समर्स एक्सट्रीम विंटर्स नहीं होते, विंटर्स भी टॉलरेबल है, समर्स भी टॉलरेबल है। आप जाके लिटरली राजस्थान के समर्स लिव करके आओ, देन यू विल कम टू नो कि पंजाब में इतनी गर्मी नहीं होती, ठीक है ना? हाँ, कनाडा में साउथ पोल में विंटर्स को एक्चुअली फेस करो। सो दैट क्लाइमेट इन द पंजाब इट इज मॉडरेट, ठीक है? इट इज हॉट ह्यूमिड मॉडरेट ही है, रादर हॉट भी नहीं है कोल्ड भी नहीं है। एनी हाउ बच्चे ये वाला जो है पॉइंट, दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट और वेदर का अगर डिफरेंस भी आता है देन फर्स्टली यू हैव टू राइट द डेफिनेशन। मैंने पहले ही कहा था मैं डेफिनेशन दोबारा नहीं लिखूंगी, फर्स्ट पॉइंट में आप डेफिनेशन लिखोगे दोनों में। बच्चे तानिया इट इज नॉट फॉर वन मंथ, ठीक है? फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, प्लीज बच्चे इसको करेक्ट कर ले, इट इज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? यस,
Secondly, climate of a place is constant. किसी भी प्लेस का क्लाइमेट जो होता है दैट इज कॉन्स्टेंट. वेदर ऑफ अ प्लेस, वेदर ऑफ अ प्लेस इज नॉट कॉन्स्टेंट, इज नॉट, कोई बात नहीं, कॉन्स्टेंट एंड कीप्स ऑन चेंजिंग. ये चेंज होता रहता है, keeps on changing. एक पॉइंट और लिख लो, afterwards you can close it. Normally, it covers large geographical area. इसका एरिया जो होता है वो ज्यादा होता है. It covers small geographical area. So I think यहाँ तक सबको क्लियर है एंड यू कैन गाइस कैन राइट इट. रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो.